जय माँ भवानी। कैसे भक्तों, आप सभी भक्तों को माँ कामाख्या ज्योतिष की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और भक्तों, हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको सभी तरह का मंत्र सिखाएंगे, देरी भली लेकिन कामाख्या ज्योतिष सदा सत्य और निष्ठावान है। और आप लोगों के सामने आज हम कुछ मंत्र लेके आए हैं। भक्तों, मंत्र जो होता है उसमें भी थाट होता है, आसामी और बंगाली। खास करके जो कामाख्या के मंत्र है वह कठिन है, आसाम और बंगाल की जादू। और भक्तों, मेरा कहना है कि जैसे आप कहीं जाते हैं रात को, आपको शरीर में डर लगता है, कांपता है, या सपने में कांपते हैं, या आपके घर के आसपास कोई टोना टोटका कर देता है, तो मैं वह मंत्र आपको बता रहा हूँ कि अगर घर में कोई कुछ करता है आसपास में, तो आप सरसों को पढ़ के चारों तरफ छींट दीजिए। और या नहीं, कहीं बाहर जाते हैं किसी काम से या आपको भय लगता है, तो आप जो है उस मंत्र को पढ़ के और 9 बार पढ़ के और 3-3 बार शरीर पे फूंक मार लीजिए, जिससे कि आपका देह 48 घंटा तक बंधा रहेगा। और जोगिन क्या, डैन क्या, भूत क्या, हमको यहाँ तक लगता है कि आपको जमराज भी आपके शरीर में नहीं टच कर सकता है। ये कामाख्या की मंत्र है और मैं आपको बताने के जा रहा हूँ। भक्तों, बात ऐसा है कि अगर आपको दिक्कत हो रहा किसी तरह की, तो आप जो है रात्रि में बैठ जाएं, अपना किसी साइड में बैठ जाएं, एकांत में बैठ जाएं, और हाथ जो है ये बायां हाथ को ऊपर, और ये देखिए दायां हाथ जो है ये ऐसा करना है। और आपको पढ़ना है, सोना सिक्कर बजर के वार, बजर बानु दस द्वार, घाट बानु बाट बानु, पूरा बानु, पश्चिम बानु, उत्तर बानु, दक्षिण बानु, खरी के तार धार बानु, चन्नी माँ की जोत बानु, अस्सिया से भूत बानु, 64 से जोगिनी बानु, हमने बांछी बानेश्वर महादेव बोरा पार्वती नरसिंह दहा गुरु के दहसाद के। दूसरा और मंत्र पढ़ना है आपको, तो इसको पढ़ के 3 बार अपने शरीर के ऊपर आप मैंने 9 बार पढ़ें और 3-3 बार फूंक लें, तो आपका 48 घंटा तक आपके शरीर का जो बांध है वो टूटेगा नहीं। चाहे आप कहीं भी जाइए, जंगल में भी जाइए, और उसके बाद जो है कहीं भी शमशान घाट में जाइए, तो आपका जो शरीर है उसमें कुछ नहीं भिरेगा। उसके बाद दूसरा और मंत्र है कि हाथ में सरसों, आप जानते हैं सरसों और राई, राई और सरसों मिला के अपने हाथ पे कटोरा में ले लीजिए, बायां हाथ में ले लीजिए, इस हाथ से जो है हमारा पोजीशन देखिए ऐसे दाब दीजिए, उसमें पढ़िए 12 सरसों 13 राय, सतवन देखांगू बानू बंधन बानू, अंके चारों कोण बानू, आस बानू पास बानू, विपति दुनिया बानू, मैय धीय डायन बानू, 70 से डायन बानू, 72 से भूत बानू, जय गिल आकाश तकरा वाल लग पास, गेल छित्रवृत्ति तकरा बानू भित्तोर, अखर बान बज्जर बान 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 रे भैरव भूमपाल, काशी कोतवाल, दहेश्वर महादेव बोरा पार्वती, दहे नरसिंह, दहे गुरु, दहे साधु के। इसको आप 9 बार सरसों को पढ़ के फूंक दीजिए और अपने घर के चारों तरफ छींट दीजिए। गाय गोरु जहाँ भी आपका भैंस रहता है उसके सारे स्थान पे छींट दीजिए। आपको जब तक वो एक एक सरसों रहेगा तब तक कभी कोई भी माई का लाल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है आपका। भक्तों, तो आपको ये करना है। आगे जो है फिर हम कल जो है ये पहले आप इन दोनों को याद कर लीजिएगा, इन दोनों को याद करके और पहले शरीर को बांधने के लिए सीखिए और अपने घर के चारों तरफ बांधने के लिए सीखिए, ताकि आपको कोई नज़र नहीं लगाए, आपके घर पे कोई टोना टोटका नहीं करे, आपके गाय भैंस पशु को घेर में बथान में दलान में कोई परेशान नहीं करे। और अगर आपके घर में कोई भी बच्चा को कोई इस तरह का बांध मार दिया है, या आपके बच्चे रोता है, या आप कोई भी शरीर में बांध लगा दिया है, तो आप इसी दोनों मंत्र से उसके माथे पे हाथ लेके धीरे धीरे इस दो मंत्र को पढ़ते रहिए। और पढ़ने के बाद 3-3 बार आप फूंक मार दीजिए, यानी 9 बार, आप 3 बार 3-3 करके 9 बार पूर जाता है, तो उसका जो है दुख दूर हो जाएगा, उसका शरीर हल्का हो जाएगा। भक्तों, देखिए मंत्र जो है, मंत्र के द्वारा जो काम होने वाला है वही होगा, और जो डॉक्टर के द्वारा होने वाला है वो डॉक्टर करेगा, उससे मंत्र से कुछ नहीं होगा, ये मैं साफ करने के लिए चाहता हूँ। और अगर सीखना है तो ये बहुत कठिन चीज़ है। आप ये मत सोचिए कि हमने जो है इसको पढ़ लिया और हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पहले मैं आपको मंत्र बताता हूँ, कल कुछ और भी आपको मोहिनी मंत्र बताऊँगा, और धीरे 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 पहले उसको याद कीजिए, और याद करने के बाद मैं सिद्धि करने का भी अध्ययन बताऊँगा कि किस समय किस नक्षत्र में किस तिथि में
और कहाँ इसको सिद्ध करना चाहिए, कितना माला से सिद्ध करना चाहिए और इसके लिए सामग्री क्या क्या आवश्यकता है वो हम आपको बताएंगे और आप सिद्ध हो जाएंगे। आप स्वयं बैठे बैठे सभी के दिल का हाल भी समझ सकते हैं और आप यहाँ से बैठे बैठे सारी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ भवानी। सबसे पहले हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मिलकर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखते रहें और हमारा आपसे वादा है कि हम आपको सभी मंत्र बताएंगे, हर एक मंत्र आपको बताएंगे, दुनिया के सभी मंत्र बताएंगे और सभी मंत्र का सिद्धि करने वाला सामान भी अलग अलग बताएंगे और समय भी अलग अलग बताएंगे, जिससे आप घर बैठे अपनी इस चीज़ को सिद्धि करके कामाख्या के नाम से आप कुछ भी कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ भवानी।